पेट में अभी भी गड़बड़ लग रही है। चलो नीचे उतरते हैं, शायद ठीक हो जाए कुछ मिर्च से। आप सही कह रहे हैं शिनचैन, चलो बेटा हम पहुंच गए। तुम ठीक तो हो ना शिनचैन? आप सभी का शुक्रिया, फिर से आइएगा। अब आप लोगों की तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? आखिर हम पहुँच ही गए। कितनी खूबसूरत जगह है ना, यहाँ का सूरज कितना सुंदर है। अगर वो पूछेंगे यहाँ कितने दिन रहेंगे तो आप क्या कहेंगे? 5 बिल्कुल दिन। ठीक कहा। नहीं, एक हफ्ता। और यहाँ आने की वजह क्या बताएंगे? घूमने के लिए आए हैं और क्या। बिल्कुल ठीक कहा, 5 दिन और घूमने के लिए आए हैं। ओके। कितने दिन रहेंगे आप यहाँ पर? 5 दिन। अच्छा, तो घूमने आए हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो आप परिवार के साथ घूमने आए हैं? जी हाँ, सही समझा आपने। वो रही मेरी वाइफ, उधर खड़ी है। आपका शुक्रिया। ये रहा अपना एक बैग। अब शिनचैन का बैग कहाँ गया? मैंने अपने बैग पर निशानी लगाई है, इसलिए वो आसानी से मिल जाएगा। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गए, शाबाश बेटा। ओ, वो रहा। कहाँ है? नमस्कार सर जी, मैं आपका गाइड, आप कैसे हैं? बढ़िया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी खुशी हुई। मॉम, डैड किसी अनजान आदमी से बात कर रहे हैं। अरे घबराओ मत बेटा, ये हमारे गाइड हैं, ये हमें पूरा शहर घुमाएंगे। यहाँ जो भी अच्छी अच्छी जगह है ना, हर जगह लेकर जाएंगे। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी अच्छी जगह मतलब हैं। ये भी घूमेंगे? तुम्हें कोई परेशानी है? अरे वाह, ये कितना सुंदर है, मैंने ऐसा नीला समुंदर पहले कभी नहीं देखा। अरे तुम दोनों कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो, शांत हो जाओ, आराम से बैठो। अच्छा ठीक है। अरे पानी कितना साफ है, जरा देखो। इसके अंदर तो सब कुछ नजर आ रहा है, मैं तो अपने घर के बीचों बीच बनाऊंगा। चारों तरफ पानी होगा और मुझे शेरों को घुमाने भी नहीं ले जाना पड़ेगा। शिनचैन, कितनी बार कहा है चुप बैठा करो। तो सर, ये रही आपके कमरे की चाबी, 4848 कमरा नंबर। ओ, काश मामी होती तो मजा आता। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। यहाँ से समंदर कितना खूबसूरत दिखता है। आप सच कह रहे हैं, खूबसूरत नजारा है। और ये खूबसूरत नजारा हम अपने कमरे से रोज देख सकेंगे। मॉम, तैरने चली क्या? नहीं बेटा, आज नहीं। आज क्यों नहीं? कल सुबह पहले हम नाश्ता करेंगे, फिर हम लोग बाजार घूमने जाएंगे, उसके बाद यहाँ की मशहूर जगहों पर जाएंगे। मैंने सोच लिया है 5 दिन हमें क्या करना है। ये कोई बात नहीं होती, यहाँ हम सब घूमने आए हैं और आपने खुद सारा प्लान बना लिया। मुझे मालूम है तुम लोग अपने मन की करोगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझे? अगर हम तैरने नहीं जाएंगे तो आप भी शॉपिंग करने नहीं जाएंगी। छोड़िए मुझे, मैं नहीं छोडूंगी। एक बार शिनचैन की भी बात मान लोगी तो क्या हो जाएगा? ये क्या कह रहे हैं? अरे हम यहाँ छुट्टियाँ बिताने आए हैं, मजे करने। तो ठीक है हैरी, हम इसी वक्त समुंदर के किनारे जाएंगे। ये हुई ना बात। वाह शिनचैन, अब क्या कहते हो? तभी तुम यहाँ पर आने के लिए कह रहे थे मिच्ची। हाँ हाँ, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, ये तो वाकई बहुत सुंदर जगह है। शिनचैन, तुम यहाँ आना चाहोगे? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा तैर लेते हो बेटा। ऐसा क्या? मामी, अच्छी बात नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। अपना मुंह बंद रखो, अभी तुम्हें पानी में भी नहीं गया। हैरी, आया। ये नजारा कितना खूबसूरत है ना डैड? हाँ सच में बहुत खूबसूरत, जरा सूरज को देखो। सचमुच? देखो यहाँ पर कितने सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन हमारे सिवाय ये खूबसूरती कोई नहीं देख पा रहा। सुनो सुनो, आप लोग डूबता हुआ सूरज क्यों नहीं देख रहे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
सुनिए सुनिए। अरे बस चुप हो जाओ शिनचैन। ये लोग भी ना, पता नहीं इन लोगों को इस खूबसूरत नजारे की कदर क्यों नहीं है, फिर क्यों आए हैं ये लोग यहाँ घूमने के लिए। हमें बाकी लोगों से क्या लेना हैरी, मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मिट्सी। बेहद खूबसूरत है। ओ हैरी। ओ मिट्सी। मेरी प्यारी डैड। हमने यहाँ आकर कोई गलती नहीं की हैरी। मैम आपके मूड का तो कुछ पता ही नहीं चलता, कभी गुस्सा कभी प्यार। हैरी कितना अच्छा हो अगर हम हमेशा ऐसे ही रहें। मैं भी चाहता हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही रहें। ओ हैरी।